आपको ज्ञात नहीं है कि गौ माता के चारे में घोटाला किया जा रहा है? और क्योंकि आप इस गौशाले के नियंत्रक हैं, आपको तो ये ज्ञात होना अति आवश्यक है गुरुवर कि कोई है जो आपके पीठ पीछे ये घोटाला कर रहा है। और आपको अर्थात उस घोटालेबाज को दंड भी मैं ही दिलवाऊंगा। ये ऐसे नहीं समझने वाले हैं, इस समय यहां से चले जाने में ही भलाई है, किंतु हम छोड़ेंगे नहीं इनको। गोबर तो हम महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचने देंगे। अरे ठीक है, जैसा आप करना चाहते हैं कीजिए कीजिए कीजिए। ए धनमणि चलो, ये पंडित रामकृष्ण सारा खेल खराब कर देंगे। हम ऐसी युक्ति लगाएंगे ये पंडित रामकृष्ण चारों खाने चित हो जाएंगे। अरे गुरुवर सुनिए तो सही, गुरुवर। अरे कहाँ गुरुवर? ये क्या, मुझे तो लगा था ये गोबर का सौदा करेंगे, धन देकर गोबर खरीद लेंगे, किंतु ये तो सौदा किए बिना चले गए। अब कहाँ से धन अर्जित करेगा रामा, अब तो तू ये शर्त हार जाएगा। क्षण में तेरी अवधि समाप्त होने वाली है और तूने एक मुद्रा भी अर्जित नहीं की है। हाँ बंधु, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल रात्रि के बाद से गुरुवर अभी तक आए नहीं है, मेरी युक्ति विफल नहीं हो सकती। ये लोग कौन है, कद काठी हाव भाव से तो परिचित से दिखाई पड़ रहे हैं। धनी मनी, ओ मेरा संदेह सत्य निकला, तो गुरुवर पधारे हैं भेष बदल कर। जी महोदय, आप किसको पुकार रहे हैं? क्या बताऊं, है दो महा आलसी महा काम चोर कहीं के, गोबर तुलवाना था परंतु पता नहीं कहां भाग गए। वैसे आप लोग कौन हैं, अपना परिचय नहीं दिया। हम हैं। पता है? क्या पता है? पता चल रहा है आपकी वेशभूषा देखकर कि आप कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं। हमें स्वर्ण का गोबर करते हैं, गोबर का व्यापार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, किंतु स्वर्णकांत जी, आप तो स्वर्णकार लगते हैं। नहीं नहीं, हम तो गोबर का ही व्यापार करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमने सुना है कि आप यहाँ गोबर को तौल तौल के बोरियों में भर भर के एकत्रित कर रहे हैं। हाँ? ऐसी क्या विशेषता है आपकी गौशाला के गोबर की कि आप उसे तौलते हैं? और तो कहीं कोई तौलता नहीं है। वो क्या है कि हमारी गौशाला में जितनी भी गौ माताएं हैं ना, हम उन्हें जड़ी बूटियां खिलाते हैं। आयुर्वेद की एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां खाकर जब वो गोबर करती है ना, तो उस गोबर से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसका लेप लगाने से हड्डी रोग, वायु रोग, वात रोग, त्वचा रोग सभी दूर हो जाते हैं, और ये भी अंदर चला जाएगा। अच्छा? हाँ। तो बताइए कितने में बिकेंगे आप? जितने में ले लेंगे आप। आपका गोबर, यहाँ का गोबर? क्षमा करें, ये गोबर बेचने के लिए नहीं है। वो क्या है कि कोई है जिसकी मुझे खाट खड़ी करनी है। अरे अरे, आपको तो हिचकी आने लगी, एक क्षण। हाँ रमैया गौ की गोबर। हाँ ये देखिए, ये गोबर खा लीजिए, ये रमैया गौ का गोबर है। उसने हिचकी रोकने वाली जड़ी बूटी खाकर ये गोबर किया था, इसे खाकर आपकी हिचकी भी मिट जाएगी। खाइए। ये कहते ही हमारी हिचकी दूर हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। अब देखिए, खाट तो आपको बहुत सी खड़ी मिल जाएंगी, किसी की खाट खड़ी करके क्या लाभ है। ये आप तो
अपने लाभ की सोचिए जी। हम आपको इस गोबर का अच्छा मूल्य दे सकते हैं। अच्छा, कितना? यही कोई 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं? किंतु क्षमा करें, ये गोबर मैं बेचूंगा नहीं। देखिए, इस गोबर से आप करेंगे क्या? आप तो बस ये बताओ कितने में बिकोगे? जितने में आप ले लोगे। गोबर कितने में बिकेगा? ना ना, स्वर्णकांत जी, ये गोबर मैं महाराज के पास लेकर जाऊंगा। अब आप ही सोचिए, 5-5 शेर चारा खाने वाली गौ माताएं केवल 2-2 शेर गोबर ही कर रही हैं। अवश्य ही कोई छल और घोटाला हुआ ना, इसलिए मैं उस मनुष्य को दंड दिलवाऊंगा। ये गोबर मैं बेच नहीं सकता श्रीमान। इस गोबर की सुगंध से हम बता सकते हैं कि कितना उत्कृष्ट गोबर है। मैं तो पहले ही कहा था, इसीलिए आपको हम 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। चलिए, 1,500 स्वर्ण मुद्राएं, किंतु ये गोबर हमें ही चाहिए। अच्छा ठीक है, आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मान जाता हूँ, किंतु 4,000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 मुद्रा भी कम नहीं लूंगा मैं। 4,000 स्वर्ण मुद्राएं हम नहीं देंगे। मत दीजिए, वैसे भी ये गोबर बेचने के लिए कहाँ है? ले लीजिए, इतना खाट खड़ी होने वाली है। हाँ, खराब माल भी हो जाएगा गुरुजी। ठीक ठीक, एक है, रुकिए रुकिए। क्या नाम बताया था तुमने इनका? इन्होंने कहाँ बताया, मैं बता देता हूँ। पंडित रामकृष्ण। हाँ, पंडित रामकृष्ण हमें स्वीकार है। अरे वाह, हम देते हैं। ये लीजिए, 4,000 स्वर्ण मुद्रा दीजिए। रखिए, सेवको ढालो इनको। हेलो, ये सारा गोबर उठा लो। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप पंडित रामा कृष्णा? बोलिए, धन अर्जित किया आपने? ना ही आप गोबर खरीदते, ना ही आपकी खाट खड़ी होती, और ना ही मैं धन अर्जित कर पाता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये क्या कह रहे हैं आप? महाराज कृष्णदेव राय आ रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 पंडित रामकृष्ण महाराज, जैसा कि सर्व विदित है, आपके और गुरुवर के मध्य एक शर्त लगी थी, जिसके अनुसार आपको 3 दिवस तक गौशाला में रहते हुए अपनी योग्यता और क्षमता से 2,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके दिखानी थी। अब आपकी उस शर्त की समयावधि होती है समाप्त, तो हम सब ये जानने को उत्सुक हैं कि क्या आप वो धनराशि अर्जित करने में सफल हुए? जी महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, ये कार्य केवल आप ही कर सकते थे, क्यों गुरुवर? जी 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 महाराज, जी जी। तो पंडित रामकृष्ण, हम सब ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं कि आपने ये धनराशि किस प्रकार अर्जित की? महाराज, मैंने गोबर तौलकर धन अर्जित की। हाँ? गोबर तौलकर? परंतु अब समय आ गया है पंडित रामकृष्णा, जब आप विस्तार पूर्वक ये वर्णन करें कि आपने गोबर तौलकर धन कैसे अर्जित किया। गुरुवर बताइए महाराज को,
आपको तो ज्ञात ही है। हम क्या बताएं? गोबर तोला आपने, अब बातें आप हमसे तुलवा रहे। देखिए महाराज, गोबर तोले ये व्याख्या करें हम, ना 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 ना, ना। ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ महाराज, जिस प्रकार आपके मन में ये उत्कंठा जागी कि मैं गोबर क्यों तौल रहा था, उसी प्रकार समस्त प्रजा के मन में भी ये जिज्ञासा उठी कि मैं गोबर क्यों तौल रहा हूँ। तो बस ये मान लीजिए कि कौतूहलवश गुरुवर जैसे ही एक सज्जन पुरुष आज प्रातःकाल मुझसे भेंट करने के लिए आए। और फिर ऐसी क्या विशेषता है आपकी गौशाला के गोबर की कि आप उसे तौलते हैं? वो क्या है कि हमारी गौशाला में जितनी भी गौ माताएं हैं ना, हम उन्हें जड़ी बूटियां खिलाते हैं। आयुर्वेद की एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां खाकर जब वो गोबर करती है ना, तो उस गोबर से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको हम एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। 4 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से एक मुद्रा भी कम नहीं लूंगा मैं। हमें स्वीकार। महाराज, समस्त प्रजा में ये बात फैल चुकी थी कि मैं गोबर तौल रहा हूँ। तो उन सज्जन पुरुष को ये लगा कि जो गोबर मैं तौल रहा हूँ उसमें अवश्य ही कोई विशेषता है, और बिना जांच पड़ताल किए उस सज्जन पुरुष ने सारे गोबर खरीद लिए, ये सोचकर कि उस गोबर से औषधि बनेगी। और जो गोबर कौड़ियों के दाम में बिकते हैं, मैंने उन महानुभाव को 4 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। पंडित रामाकृष्ण, हमारे विजयनगर में ऐसा कौन मूर्ख है जिसने इतना भारी मूल्य चुकाकर गोबर खरीद लिया? भाई हमारे मायके में तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। हाँ पंडित रामाकृष्ण, अब तो आपको हम सबको ये बताना ही पड़ेगा कि कौन है वो महामूर्ख। महाराज, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, कदाचित गुरुवर को ज्ञात हो। बताइए गुरुवर, आप तो वहीं उपस्थित थे। क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप? क्या धतूरा खाकर बैठे थे आप वहां पर? हम वहां कहां थे? हम वहां थे नहीं, हम तो वहां थे, वहां शिव जी की आराधना में लीन। अच्छा, अब क्या करूं, मुझे तो यत्र तत्र सर्वत्र बस आप ही दिखाई देते हैं। हम ही ऐसे, जो भी हमें देखना चाहे नेत्र बंद करे देख ले। तो महाराज, इस प्रकार गोबर को बेचकर मैंने धन अर्जित कर लिया। अद्भुत पंडित रामाकृष्ण, हमें इस बात का गर्व भी है और प्रसन्नता भी कि आपने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता से किसी भी स्थान पर धन अर्जित करके दिखा सकता है। धन्यवाद महाराज। महाराज, एक निवेदन और है आपसे। अब क्या है कि गुरुवर स्वयं अपने मुख से तो कहेंगे नहीं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य समझेंगे कि अब इनकी आयु हो चुकी है, इनका स्वास्थ्य भी अब पूर्व की भांति ठीक नहीं रहता, इसलिए गौशाला की देखरेख अब उचित तरीके से हो नहीं पाती। अतः महाराज, हमें एक व्यक्ति नियुक्त कर देना चाहिए, एक परिश्रमी और सच्चा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से इन पर दृष्टि रखे, अर्थात इन पर दृष्टि रखे कि इन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा। महाराज, नहीं महाराज, हमें किसी सहायक की कोई आवश्यकता नहीं है, बल है हम में। है नहीं गुरु, पंडित रामाकृष्ण का कथन सर्वथा उचित है। पंडित रामाकृष्ण, क्या आपकी दृष्टि में ऐसा कोई सच्चा और परिश्रमी व्यक्ति है जिसे हम गुरुवर की सहायता के लिए वहाँ गौशाला में भेज सकते हैं? जी महाराज, एक सच्चा और परिश्रमी व्यक्ति है। उचित है, तो अब से वो गौशाला में गुरुवर की सहायता करेगा। परंतु जिस चातुर्य, बुद्धि कौशल, योग्यता और क्षमता का परिचय पंडित रामाकृष्ण ने दिया है, उसके लिए इनका जय घोष तो होना ही चाहिए। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की जय। ये देखिए महाराज, हमारी इस एक चाल से आपका ये प्रिय लाल मोहरा हमारा हुआ। जैसे आप
हमारे हो चुके हैं। महारानी, हम तो सदैव से ही आपके थे। रही बात इस मोहरे की, तो ये तो अभी खेल में नया था। इसकी चाल तो बस अभी प्रारंभ ही हुई थी। हम आपके इस खेल में कौशल को तब माने जब आप हमारे किसी पुराने और निष्ठावान मोहरे को जीत के बताएं, जैसे कि ये, जिसका नाम हमने राजगुरु तथाचार्य के नाम पर रखा है। अब आप हमारी अगली चाल संभालिए। लीजिए महाराज, आपके मायके का ये वरिष्ठ मंत्री अब हमारा हुआ। ये लीजिए महाराज, आपका ये मोहरा, आपका प्रिय सैनिक हमने जीत लिया है। और अब उस मोहरे की बारी, जो एकदम छोटी महारानी की भांति निश्चिंत है, उसे भी हम जीत के दिखाएंगे। आप हमें पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने चौसर अपने मायके के कुल गुरु से सीखा है। समय आने पर पता चल जाएगा। महाराज, आपके सबसे प्रिय सलाहकार पंडित रामा कृष्णा को हमारे मोहरों ने चारों ओर से घेर लिया है। केवल 11 घर का ही अंतर शेष है हमारी एक चाल और आपका सबसे विशेष प्रिय मोहरा हमारी ओर हो जाएगा। और शर्त अनुसार आपसे हम जो मांगेंगे आपको वही देना होगा। अवश्य देंगे महारानी, अवश्य देंगे, परंतु पहले खेल जीत कर तो दिखाइए। और रही बात हमारे इस सर्वाधिक विशेष सलाहकार पंडित रामाकृष्णा रूपी मोहरे की, तो उस ओर से तो हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं, क्योंकि हमें ये बात भली भांति ज्ञात है कि समस्या कितनी भी विकराल, कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, पंडित रामाकृष्णा अपनी बुद्धिमता से हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल ही लेंगे। हमने अभी अभी गणना की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा एक ही मोहरा पर्याप्त है आपके सभी मोहरों को परास्त करने के लिए। बिल्कुल पंडित रामाकृष्णा की भांति अचूक, अभेद्य, अपराजित। अभी उदाहरण दिए देते। खेल समाप्त। महारानी अब जीत गए। देखा महारानी, हमने कहा था ना, खेल हम ही जीतेंगे। तभी तो हमने इस मोहरे का नाम पंडित रामाकृष्णा के नाम पर रखा है, जिनके होते हुए हम कभी पराजित हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है महाराज कि यदि मोहरा ना होता तो आप जीत नहीं सकते थे, किंतु आप इस मोहरे पे अत्यधिक निर्भर हैं। जिस प्रकार आप पंडित रामाकृष्ण पर निर्भर रहते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं है कि पंडित रामाकृष्ण जैसी बुद्धि, ज्ञान और चातुर्य और किसी में ना हो। आप विजयनगर की महारानी हैं, अवश्य सही कह रही होंगी, परंतु एक समस्या है, हमें आज तक ऐसा व्यक्ति कभी दिखाई ही नहीं दिया। यूं कहिए महाराज कि आपने देखने का प्रयत्न नहीं किया, शायद आप भूल गए महाराज हमारे मायके के वीर वल्ली और माधवन को, जिन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर आपको युद्ध में चक्रव्यूह से बाहर निकाला था, परंतु आपको तो पंडित रामाकृष्ण के समक्ष कोई दिखाई ही नहीं देता है। महारानी, आप खेल की बात को कहां से कहां ले गए? हम तो केवल ये कह रहे हैं। बात ये नहीं है महाराज, बात ये है कि आप कब तक पंडित रामाकृष्ण की बुद्धि और चातुर्य पर निर्भर रहेंगे। आपको और भी प्रतिभाओं को अवसर देना चाहिए, और भी लोगों को परखना चाहिए। पंडित रामाकृष्ण के पूर्व किसी ने सोचा था कि इतना बुद्धिशाली मनुष्य भी हमारे विजयनगर में होगा? महाराज, पंडित रामाकृष्ण से भी अधिक बुद्धिशाली लोग अवश्य होंगे। ठीक है महारानी, यदि बात ये है तो यही सही।
हो जाए एक निष्पक्ष प्रतियोगिता कि विजयनगर में सर्वाधिक बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है। उचित है महाराज। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.